आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में हमसे बोला है, अ मैन वियरिंग ए बुलेट प्रूफ वेस्ट स्टिल ऑन रोलर स्केट्स, द टोटल मास इज 80 kg, अ बुलेट ऑफ मास 20 g इज फायर्ड 400 m/s, इट इज स्टॉप्ड बाय वेस्ट एंड फॉल्स ऑन द ग्राउंड, व्हाट इज देन वेलोसिटी ऑफ मैन। सो हमें अब मैन की वेलोसिटी को फाइंड आउट करना है। सपोज हमारे पास ये हमारे पास कोई गन है जिसमें से हमने बुलेट को फायर किया है, ये हमारे पास बुलेट है जिसका मास कितना है 20 g, जो मूव कर रही है एक वेलोसिटी से, और उसकी वेलोसिटी है हमारे पास 400 m/s। सो यहाँ पर हमारे पास वो पर्सन है खड़ा है जो वेस्ट डाले हुआ है, तो जैसे ये हमारे पास इसका जो मोमेंटम होगा वो टोटली कन्वर्ट हो जाएगा इसके मोमेंटम के अकॉर्डिंग, तो इसका जो मास है वो कितना है 80 kg। सो हमें क्या करना है, सिर्फ लॉ लगाना है इसमें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो उसकी वजह से जो इसमें मोशन आएगा आफ्टर स्ट्राइकिंग द बुलेट, तो सपोज करो वो एक वी डैश वेलोसिटी से बैकवर्ड जाएगा, तो मुझे उस वेलोसिटी को ही फाइंड आउट करना है। अगर मैं बात करूँ इसके मोमेंटम की, तो मैं अगर बात करूँ मोमेंटम ऑफ गन, तो मोमेंटम ऑफ बुलेट, सो मोमेंटम ऑफ बुलेट, हमारे पास मोमेंटम ऑफ बुलेट कितना होगा 20 g को मैं उसमें बदलूँगा किलोग्राम में बाय 1000 इंटू में वेलोसिटी, वेलोसिटी से कितनी है 400 m/s, मैंने सिंपल मोमेंटम का फॉर्मूला लगाया एम वी, एम इज़ द मास ऑफ बुलेट एंड वी इज़ द वेलोसिटी ऑफ बुलेट। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, 2 0 से 2 0 कट जाएंगी, 1 0 से 1 0 कट जाएगी, तो यहाँ पर मेरे पास आएगा 8 kg/s, ये मेरे पास मोमेंटम आया बुलेट का। अब मैं बात करता हूँ इस पर्सन की, जैसे बुलेट से स्ट्राइक करेगी तो ये जो मैन है वो बैकवर्ड जाएगा विद ए वेलोसिटी वी डैश, मुझे इस वेलोसिटी को फाइंड आउट करना है। अगर मैं बात करूँ मोमेंटम ऑफ मैन, सो मोमेंटम ऑफ मैन वो कितना होगा एम वी डैश, एम हमारे पास कितना है 80 kg, और वी डैश को हमें फाइंड आउट करना है। ये हमारे पास सपोज करो इक्वेशन नंबर सेकेंड है, और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी। अब मुझे क्या करना है, इस पर अप्लाई करना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सो अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो हमें इक्वेट कर देना दोनों इक्वेशन को, 8 = 80 v'। सो अब हमारे पास जो वेलोसिटी आएगी तो हम उसको बोलेंगे वी डैश इज इक्वल टू 8/80, तो अब हमारे पास आएगा 1/10, तो हमारे पास कितना आएगा 0.1 m/s। सो ये वेलोसिटी हमारे पास उस मैन की होगी जैसे ही हमारे पास वो बुलेट उस पर स्ट्राइक करेगी। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।